कि ये मांगता था मियां नवाज शरीफ से मांगता था, वो जद्दी पुश्ती नवाब थे, अमीर आदमी थे, और ये जद्दी पुश्ती मांगने वाला है। ये सारे चोर इसके साथ रले हुए हैं। बेटी से कपड़ा लेने चले जो महंगा, बाजार से कोई चीज लेने चले, कोई चीज लेने चले महंगी। अजा मंगुए जनाब, ये नशाई आदमी है और ये जुआरिया नशाई है, इसको तो पता ही नहीं होता कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसको सुबह पता लगता है, इसकी बेगम बता दी कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। 180 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, अदगर भी महंगा, लहसुन भी महंगा, आलू भी महंगा, सारी सब्जियाँ, फ्रूट आज महंगा हो गया, जापानी फल महंगा हो गया। जिंदगी तो मैच देते जी फंसे पे हैं, जिंदगी सानू कुछ लाभ नहीं पाया। फिर जब बच्चे बीमार ने, कोई फलाने का, कोई फलाना बीमार है, एक बच्चा बीमार हो तो 2000 रुपया लग जाता है। देख लो वो नवासी 160 रुपये छोड़ के गया था, अभी 400 रुपया किलो। जी पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही, जैसे ही खान साहब की मंतक आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 84 रुपये 83 पैसे, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल जब कम हुआ तो खान साहब ने जो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर हमें अलजबरा सिखाया था उसके मुताबिक इस टाइम 120 रुपए कीमत होनी चाहिए थी। ये खान साहब का अलजबरा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अगेंस्ट उल्टी मंतक, मतलब उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई। 8 रुपये 83 पैसे 30 पैसे का इजाफा किया खान साहब ने पेट्रोल पे। लोगों के कारोबार पे क्या असर पड़ता है इस पेट्रोल के महंगा होने से? आज हम मौजूद हैं बनू पलाव के ऊपर, खान बनू पलाव है, यहाँ नवाज अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इसको चलाते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको खान साहब का अलजबरा खान साहब समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के ऊपर कारोबार पे क्या असर पड़ता है? लोग खुदकुशियाँ करेंगे, खुदकुशियाँ करेंगे, और कारोबार तो वैसे भी नहीं है। और ये जो खान साहब तो इसे कहना ही नहीं है, ये नियाजी है। एक नियाजी था जो जिसे बांग्लादेश का शर नशर किया, एक नियाजी है जो पाकिस्तान के दरहम बरहम करने के लिए आया। और कौम को जागना चाहिए, और अगर आज कौम ना जागी तो उम्मीद है कि ये लोग खुदकुशियाँ करने पर ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे। खान साहब ऐसा फरमाते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, तो उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ होता था कि वो वज़ीर आज़म है तो चोर हैं। 200 बंदों की एक्सपर्ट टीम थी इनकी, आप खान साहब से कोई सवाल करेंगे वो टीम किधर है? सर एक मांगने वाला सही से पूछता है कि तू चोर है, ये पीछे चले जाए ना आप, कि ये मांगता था मियां नवाज शरीफ से मांगता था, वो जद्दी पुश्ती नवाब थे, अमीर आदमी थे, और ये जद्दी पुश्ती मांगने वाला है। एक मांगने वाले सखी से पूछता है कि तू चोर है, अब कौन चोर है? अवाम साबित कर रहे हैं कौन चोर है, ये चोर है या नवाज शरीफ चोर था? अब उसकी याद आ रही है ना, लोग रो रहे हैं और जान को रो रहे हैं कि जनाब मियाँ साहब को आना चाहिए, लेकिन हमारी पाक फौज को भी सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है ये, इस कौम पे तरस नहीं आ रहा इनको, इनको तरस आना चाहिए। और इस फजूल आदमी को, ये मंगू को जो है ना, इसको फारिग करें और मेहरबानी करके इस अवाम पे तरस खाएं। मंगू ये कहीं वो डोंगी राजा वाला तो नहीं है? राजा मंगू है जनाब, ये नशाई आदमी है और ये जुआरिया नशाई है, इसको तो पता ही नहीं होता कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसको सुबह पता लगता है, इसकी बेगम बता दी कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, और खुदा रहा इससे जान छुड़वाई जाए। और मैं फिर आर्मी चीफ से भी अपील करूँगा कि ये अवाम जितने भी ये खुदकशियाँ ये आपके सिर पे हैं, और ऐसे ना हो कि रोज़े मशर में आपका गिरेबान हो रहा हमारा हाथ हो। जो कल इसने जी कल या परसों जो तकरीर की थी ना जी बासी साहब, उसमें इसने नशा कम किया था। अच्छा हाँ, क्योंकि इसने कहा ना जी मैंने रिलीफ देना है, और रिलीफ जो है ना वो एक माह में 154 रुपये होगा एक बंदे का, और महंगाई जो है ना तकरीबन मेरा ख्याल 60 रुपये घी किलो के बढ़ गया है। इसने नशा कम किया हुआ था, नशे में था, पता नहीं क्या कुछ कह गया। मैं फिर अपील करूंगा जनाब आवाम से कोर्ट खड़े हो जाएं, और इसके खिलाफ अगर आप नाना खड़े हुए तो फिर हमारा यही हाल होगा जो लोगों का हो रहा है। लगता है खान साहब रिलीफ दे पाएंगे 1.5 सालों के? बहुत मुश्किल है जनाब, ये देखो एक बंदा रक्षा चलाने वाला है, वो रक्षा भी नहीं चला सकता, आप उसको मेट्रो बस दे देंगे वो कैसे चलाएगा? इसको कुछ भी नहीं, ये काउंसलर नहीं था, ये अपने घर देखो जो अपना घर नहीं बसा सकता। कसूर किसका है मुझे जरा खुल के बताएं लोगों को ना, तो मुझे लगता है मियां साहब की चाहत जो है ना आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई। कसूर मियां साहब का ये था कि उसने इस मुल्क को आगे बढ़ाया, एडमी ताकत बनाया, और मेट्रो और ट्रेन ये सब कुछ दिया, ये उसका कसूर था कि ये आवाम के लिए था, ये उसका कसूर था और कुछ भी नहीं था। बाकी तो वो 5000 साल भी ना भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि वो जद्दी पुश्ती अमीर आदमी है। ये इससे पहले चले जाए एक क्लर्क का बेटा था जो करप्शन की वजह से इसे निकाल दिया गया था, और ये नाहल आदमी है, नाहल आदमी को बैठा दिया गया है, और जिन्होंने बढ़ाया हमसे उनसे भी अपील करते कि खुदा रहा इस कौम पे
रहम करें सर, हर बंदे ने छुरा पकड़ा हुआ है, 180 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, अदरक भी महंगा है, लहसुन भी महंगा, आलू भी महंगा है, सारी सब्जियां फ्रूट आज महंगा हो गया है, जापानी फल महंगा हो गया है, फ्रूट तो गरीब बंदा खा ही नहीं सकता ना, सब्जी पूरी हो जाए बड़ी बात है, हर चीज महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा सर, जो आम यकीन कर रो रही है गरीब आदमी, किस किस चीज के ऊपर असर पड़ता है अगर पेट्रोल में पर असर हुआ, सब्जियों पर, खाने वाली, या घी देख लो, वो नवाशी 160 रुपए छोड़ के गया था, अभी 400 रुपया किलो, देखो कितनी महंगाई होती, कितना फर्क पड़ गया है, ये खुदा के लिए खुदा रहा, इसको कोई समझाए को क्या कर रहा है, ये आवाम तो रो रही बेचारी, वो सर ताजे इसके साथ तो सारे चोर हैं, ये सारे चोर इसके साथ रले हुए, भाई कुछ भी नहीं है, ना खुद खुद ताजर कर दे बस ऐसे ही है, आवाम रो रही यकीन करे, चीज से कपड़ा लैन चले जो महंगा बाजार च, कोई चीज़ लैन चले, कोई चीज़ लैन चले महंगी, कस्टमर आंदा बाजार दे जसी जाइदा चीज लैन जाने, जी 100 दी लैके आए हैं, साले 100 दी लैके 130 दी बेची है, अगले लैन जाने 140 दी लैके आने हैं, असी जी कमाई मकसद के ना, जी कमाई करने हैं ना, वो वापस दे के ही आने हैं, सिर्फ असी रात जा को थोड़ा बहुत कमा लिया खा लाँगे, ना जोड़ना है ना कुछ, जो कमाना सब दे के ही आना है, मेहनत भी करने हैं, नहीं कि नहीं लगता खान साहब 1.5 साल अगले हुकूमत को सही चला पाने, वो 1.5 साल आवाम को बस मैच वाले लाता, मैच वेखी जाओ तो सुकून ना टाइम लगाइए, इधरों पेट्रोल छुट्टी जाता बंब छुट्टी जाता तो अभी मैच वेखन लगे ताड़ियाँ मार लें, खुश नजर आ रही मैच, एक मैच जिताता खुश हो गए, जिंदगी का मैच जिते फसे पे हैं, जिंदगी सानू कुछ लभदा नहीं पाया, जो बच्चे बीमार ने कोई फलाने का कोई फलाना बीमार है, एक बच्चा बीमार हो 2000 रुपया लग जाए, किसी दसो खुद दसो कि चंगे डॉक्टर कितने फुकदान तुम नज़र आ रहा, वजीर आजम ठीक नहीं या टीम ठीक नहीं, जो शुरू ही सुबह सुबह उठना है, बैंक च जाना है, लो जी पैसे रखो मैंने सूद दियो, की बरकत पैनी जो तो दुकान खोलनी, या बेईमानी तेरा ही आसरा ही, तो फिर उसे खेत चलना कुल मुल्क, वो कुछ कराओ तो सही ना, पहला पहला अपने अंदर ठीक करो, जो कोई कोई वैसे कोई बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।